नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर। दसवीं क्लास के सभी बच्चे ध्यान देंगे। गद्य के अंदर हम पार्ट एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी पेपरों में जीवनी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं और जीवनी भी आती है। उनकी अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी में देखेंगे। उनका सन 1884 से लेकर 1941 ईस्वी और लेखक का जो परिचय है एक दृष्टि में हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम और उनके पिता का नाम श्री चंद्र बलि शुक्ल था। उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। स्थान था अगौना जिला बस्ती। उन्होंने अपनी शिक्षा मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की और नागरिक चारणी पत्रिका का उन्होंने संपादन किया और उन्होंने कई लेखन की विधाएं जैसे कविता, निबंध, आलोचना साहित्य आदि लिखे और उनकी जो भाषा शैली रही है प्रांजल शैली और सामासिक शैली रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं जो पेपरों में भी आती हैं रसमीमांसा, चिंतामणि एक आलोचना है, मित्रता और निबंध, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा उन्होंने और इनका निधन सन 1941 में हुआ। इन लेखक का गद्य में क्या स्थान है, ये एक युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में इनका एक हिंदी गद्य साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है। आचार्य रामचंद्र जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगौना में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे। उनकी दीक्षा शिक्षा अपने पिता के पास तहसील में हुई थी और मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की थी इन्होंने। गणित में कमज़ोर थे लेकिन आगे नहीं पढ़ सके। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक प्रेमचंद के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और 1908 में नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी उसका संपादन इन्होंने कुशलतापूर्वक किया और ये हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक रहे। हिंदी के साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ सफल अनुवाद भी किए गए। बाद में आलोचना इनका प्रमुख विषय बन गया था। ये प्रमुख आलोचक भी हैं और इन्होंने रश्मिमांसा, चिंतामणि भाग एक दो के निबंध भी लिखे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी लेखन की उन्नत परंपरा का सूत्रपात किया और चिंतामणि इनकी जो प्रमुख रचना है इन्होंने कुछ छुटपुट निबंध भी लिखे जैसे मित्रता, अध्ययन आदि। क्योंकि इनकी भाषा शैली देख के बारे में पढ़ेंगे हम। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है और इसमें एक भी शब्द बेकार का नहीं है। बड़ी कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात कहना शुक्ल जी की खास विशेषता है। जैसे हम कहते हैं कम शब्दों में हम कोई खास बात कह देना। संक्षेप में शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली समासिक है। ये हमने लेखक की जीवनी के बारे में पढ़ा। जीवनी में हमने उनकी रचनाएं देखी, उनका जन्म स्थान देखा, उनकी शैली देखी, भाषा शैली देखी, किस तरह से उन्होंने शैली का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। साथ ही साथ उनका क्या स्थान रहा और उनमें एक निबंध लिखा मित्रता। आइए आज हम मित्रता पाठ के बारे में पढ़ेंगे और शुक्ल जी के हृदय कवि और मस्तिष्क के आलोचक थे और इन्होंने समालोचना के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और इनके नाम के कारण ही गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है।
आइए हम देखते हैं पार्ट ए मित्रता। बच्चों ये पार्ट पहले थोड़ा पढ़ाया जा चुका था, लेकिन फिर भी आपको फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे दूर जुड़े हैं वो भी समझ लेंगे। तो मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा है। हम इसमें पहले पैराग्राफ के बारे में देखते हैं। बच्चों इस दुनिया में हम सभी मित्रता करते हैं, तो पाठ के अंदर लेखक ने चर्चा करी है कि मित्रता यानी दोस्ती हम कैसे लोगों से करें, अच्छे दो मित्र में क्या लक्षण होने चाहिए और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अच्छे मित्र हमको किस प्रकार से हमारे जीवन में मदद करता है, इस बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। और बुरी मित्रता यानी कुसंगति से सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेखक ने अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम अपना मित्र बना सकते हैं, जिसके अंदर इस तरह की विशेषताएं हैं। लेखक ने कहा कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, तो जब वो बाहर जाता है तो उसकी पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कहने का मतलब जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं, हमें अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई कौन हमारा हितैषी है कौन नहीं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं होती तो उसकी जान पहचान के लोग बड़ा धड़ाधड़ से मिल जाते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि कोई लड़का, युवा लड़का एकांत प्रवृत्ति का नहीं है, तो उसकी दोस्ती बहुत लोग तेजी से बढ़ती है, वो सब लोगों से मिलता चला जाता है और सब लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल का मतलब होता है जान पहचान हो जाती है, और यही हेल मेल जो है बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाती है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मित्र के चुनाव में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन पे निर्भरता होती है, जीवन की सफलता। यानी यदि हमने अच्छे मित्र को चुना है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और यदि हमने इसमें सावधानी नहीं बरती और मित्रता को चुनने में हमने गलती करी तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, और अच्छी संगति का हमारे जीवन पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, है नहीं? क्योंकि हमारा मन जो होता है बहुत ही कोमल होता है और हम हर चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ने चर्चा करी है कि जब हमारे मन मस्तिष्क पर बाहर की वस्तु और बाहर के विचार का बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, और हम लोग जो है अभी इस दुनिया के बारे में, दुनिया की चालाकी के बारे में नहीं जानते, तो हम जो हैं एक कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। लेखक ने बताया जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी होती है, वो पकी भी नहीं होती है, कच्ची मिट्टी को तोड़ा जा सकता है, इसी तरह से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क इस तरह से होता है कि उसे कच्ची मिट्टी के समान बताया, क्योंकि जिस तरह से कच्ची मिट्टी की मूर्ति कभी भी टूट सकती है, इसी तरह से भी हमारा मन कभी भी टूट सकता है। हम जिस प्रकार से मिट्टी से कुछ भी रूप बना सकते हैं, हम उसे राक्षस बनाए देवता, तो ऐसे ही। लेकिन लेखक ने कहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, यानी कि मतलब है कि जो लोग दृढ़ इच्छाओं वाले होते हैं, अगर हमने उनसे दोस्ती कर ली तो हम उसकी बातों को मानना पड़ेगा, वो अपनी दोस्त धमकी से अपनी बात मनवाएगा तो हमें उसका कहना मानना पड़ेगा, तो इस तरह से ये बात अच्छी नहीं है, हमें बिना इसके बात के विरोध के बात माननी पड़ती है। और ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना कोई सहारा रहता है, दोनों ही बातों में इस बात का भय रहता है, और इस बात का युवा पुरुषों को बहुत कम रहता है कि यदि विवेक से काम ले जाए, यदि हम अपने दिमाग से काम लें तो इस बात का कोई भय नहीं रहता फिर। लेकिन कुछ लोग जो है अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तब ऐसे लोग जो है मित्रता जो है ऐसे लोगों से कर लेते हैं। लेकिन लेखक ने एक उदाहरण दिया कि कुछ लोग जब कोई एक घोड़ा लेते हैं और उसके हम गुण दोषों को परखते हैं कि भाई घोड़ा स्वस्थ कितना है, कितना भाग सकता है, और इसके कोई नुकसान, इसका कोई ये कमजोर तो नहीं है, है नहीं? तो हम ये सब उसके गुण दोष देके उसे परख लेते हैं।
पर हम जब कोई मित्र बनाते हैं तो हम उसकी उसकी आदत और उसके विचार के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान का अर्थ है खोज करना, उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करते। और ये सब बातें अच्छी मानकर हम उस पे विश्वास जमा देते हैं। हम उसकी जो वो बात, चाहे वो उसकी झूठी बात भी, हम उसकी झूठी बात को अच्छा मान के कि ये बात अच्छे अच्छे लग रही है, तो हम उसकी बातों को उस पे विश्वास करके उससे मित्रता कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम कभी कभी उसका हंसमुख चेहरा देखते हैं, बातचीत करने का ढंग देखते हैं, और तो उसमें देखने भाई चतुर भी है, साहसी भी है, तो ये दो तीन चार बातें देख के हम उससे अपना मित्र मान लेते हैं और उससे मित्रता कर लेते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, हमें सावधानी से मित्रता का चुनाव करना चाहिए, यानी क्योंकि यह हमारी आत्म शिक्षा का कार्य है। एक विद्वान का कहना है, उन्होंने कहा कि विश्वास पात्र मित्र की से बड़ी भारी रक्षा होती है, यानी जिस मित्र पर हम विश्वास करें उससे बड़ी हमारी रक्षा रहती है, क्योंकि भरोसेमंद व्यक्ति से वो हमारी रक्षा कर सकता है संकट के समय में। और लेखक का कहना है, यदि किसी को ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। सच्चे मित्र की जो लेखक ने तुलना खजाने से की है, क्योंकि लेखक ने उसको एक दवाई के रूप में भी बताया कि विश्वास पात्र मित्र एक जीवन की औषधि है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों, यदि हम बीमार हो जाते हैं या कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो उसे दवाई खाने से उसे आराम मिलता है, तो उस रोगी की जो सच्ची मित्र है वो उसकी दवाई है, क्योंकि दवाई से ही किसी व्यक्ति के कष्ट को दूर किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक सच्चा मित्र भी जिस पर हम विश्वास करें वो एक उस औषधि के समान है नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ जीवन की बुराइयों को दूर कर सकता है, जीवन की परेशानियों को हटा सकता है। वो एक सच्चा मित्र है, वो एक औषधि है, और हम उससे ये भी आशा रखते हैं कि वो हमारे कमियों को हम आपको बताएगा, हमारी त्रुटियों को, हमारे दोषों को बताएगा और उस चीज़ों से हमें बचाएगा। और हम जो हैं अपनी मित्रता को पवित्रता, प्रेम, मर्यादा और सच्चे लगन से उसको मजबूत करेंगे, पुष्ट करेंगे, मतलब है मजबूत करना। और जब हम किसी गलत रास्ते पे पैर रखेंगे, कुमार्ग का मतलब यहाँ पे है गलत मार्ग पर रास्ता, यानी गलत संगति को करना, कुमार्ग का अर्थ है, कु माने बुरा और मार्ग माने रास्ता यानी संगति। यदि हम बुरे रास्ते या गलत रास्ते का चुनाव करते हैं तो हमारा सच्चा मित्र हमें सावधान करेगा और कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं। और जब हम किसी कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगेगा और हम नीरस हो जाएंगे तो हमारा सच्चा मित्र हमारे को प्रोत्साहित करेगा, साहस बढ़ाएगा, हतोत्साहित होंगे का मतलब यहाँ ये है कि हम अपने कार्य को निरस्ता से करते हैं यानी थक जाते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तब हमारा सच्चा मित्र जो है हमारा साहस बढ़ाएगा। और कहने का अर्थ यह है कि उत्तमता से पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक वैद्य अपने मरीज की जांच करता है, उसके शरीर की और उसके हर तरीके से परख करता है कि इसको तकलीफ क्या है, उसके बारे में पूछता है, तब जाके उसका वो इलाज करता है, उसे दवाई देता है। तो ऐसे ही एक सच्चा मित्र भी वैद्य की तरह होता है, डॉक्टर की तरह होता है, और एक सच्चे मित्र के अंदर एक माँ की तरह धैर्य होता है, कोमलता होती है, क्योंकि एक सच्चा जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, धैर्यता से उसको उत्तर प्रश्नों का उत्तर देती है, इसी प्रकार से एक सच्चा मित्र भी जो है धैर्यशील होता है और वो हमारे को धैर्यता से मदद देता है और हमारे को अच्छा बनाने में, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में प्रयासरत रहता है। वो देखता है कि मेरा मित्र कष्ट में है तो वो उसकी मदद करता है और उसका साहस बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे ही मित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेखक ने कहा है कि हमें ऐसे मित्र को ही अपनी मित्रता
करनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के लक्षण हो, जो धैर्यशील हो, साहसी हो और हमारे गुण दोष बताने वाला हो और हमारे साहस को बढ़ाने वाला हो और उस जिस एक सच्चे मित्र में एक औषधि जैसा गुण होता है, जिस प्रकार से एक औषधि यानी दवाई किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है, एक सच्चा मित्र भी अपने मित्र के गुण दोषों को, उसकी बुराइयों को दूर करता है। तो आज हमने मित्रता पाठ में ये पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ा है। इस पाठ के पैराग्राफ को ध्यान से समझेंगे और जो उसमें जीवनी आपको अभी आपको पढ़ाई थी वो आप जीवनी कर लेंगे और ये पाठ जब कंप्लीट हो जाएगा मित्रता वाला पाठ तो वो आपको अगली वीडियो में भेजा जाएगा। जब टर्म होगा हिंदी का तो वो पाठ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे कार्य करेंगे। फिलहाल यहीं तक इस पैराग्राफ तक हम पढ़ रहे हैं और हम जीवनी के बारे में थोड़ा सा बता दें, जीवनी आपको कहाँ तक करनी है। जीवनी आपको यहाँ से समीक्षा के क्षेत्र से लेकर आपको यहाँ तक कर लेनी है। ये यहाँ तक कर लेनी है आपको जीवनी, जहाँ तक मैंने आपको निशान लगा के दिया है ये जीवनी इतनी आपको कर लेनी है कॉपी के अंदर। और जो मित्रता से संबंधित पाठ से जुड़े हुए क्वेश्चन वो पहले पाठ पूरा हो जाएगा जब आपको उसके कारण आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है हिंदी में तो वो आप मुझसे मिलके उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।